जी, अलहमदुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी बालाज साहब, वो ऐसा कीजिएगा कि वो गाड़ी की जो डिलीवरी है वो उसी एड्रेस पे कीजिएगा जो मैंने आपको सेंड किया। जी जी, पिन लोकेशन भी मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन किसी गलत एड्रेस पे नहीं जानी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स। मुबारक हो जनाब, आपकी नई गाड़ी आने वाली है, कल तुम्हारे लिए गाड़ी मंगवाई। क्या गाड़ी मेरे लिए? क्यों? तुम्हें गाड़ी की जरूरत होगी। भाई कहीं आना जाना पड़ जाता है, कुछ घर के लिए लाना पड़े तो इंसान के पास गाड़ी तो होनी चाहिए ना। इनफैक्ट मैंने ड्राइवर का भी इंतजाम कर लिया है, गाड़ी और ड्राइवर नीचे पार्किंग लॉट में ही रहा करेंगे। थैंक यू अफनान, आपने इतना सोचा मेरे लिए। थैंक यू सो मच। तो फिर एक काम करें ना कि आप मुझे ड्राइविंग भी सिखा दें। तुम्हें ड्राइविंग? तो अच्छा है ना अफनान, कभी कोई इमरजेंसी होगी या मुझे आपके पास आना हो या कोई भी काम हो तो मुझे भी तो आनी चाहिए ना ड्राइविंग। सिखा दें प्लीज। ये भी बिल्कुल ठीक है। गुड, अच्छी बात है। लेकिन ये सोच लो कि मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊंगा। मेरी जान की हिफाजत तुम्हारा काम। गाड़ी चलाना बहुत आसान काम होता है। पहले सबसे पहले तुम सीट बेल्ट पहनो। किधर है? साइड पे। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, सीट बेल्ट उतर के नहीं आ जाती, सीट बेल्ट लगी रहती है। इसको यहाँ पर ये इस नॉब में डाल। एक मिनट दुपट्टा। हाँ रुक जा, चल यहाँ पे। यहाँ पे ये नॉब है ना, इसमें डाल। मैं शाम गुस्सा नहीं करना, अब आप देखिए इस तरह करेंगे तो आप मैं कैसे गाड़ी चलाऊंगी। बैक मिरर सेट करो। शाबाश, बहुत अच्छी स्टूडेंट। रमशा जी, ये बैक मिरर अपना दुपट्टा सेट करने के लिए, ये पीछे वाली गाड़ियां देखने के लिए, इट्स फॉर सेफ्टी पर्पसेस। सेट करो इसको। करो, नजर आ रहा है? नहीं। हाँ, अब आ रहा है। वेरी गुड, दो चीजें हो गई। अब ब्रेक पे पहन। कौन सा वाला, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। ठीक, तो फिर और ये है। नहीं नहीं, अभी नहीं हटाना, ये पुश स्टार्ट है, इससे गाड़ी हो जाएगी स्टार्ट। ये हो गई। अब ब्रेक पे ही पैर रखते हुए इसको ड्राइव पे ले गया। पांव हटा दूं ना? ब्रेक पे पैर, ब्रेक पे पैर रखते हुए पांव रख के और फिर एक दो तीन। ठीक है? ठीक है। अब हल्के से पैर से ना एक्सेलरेटर देना और ब्रेक छोड़ना। अब ब्रेक से फौरन हटा दूं ना पांव? फौरन नहीं, फौरन नहीं, फौरन नहीं, सीधा 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 कर लो। कर रही हूँ, अब दाना की गाड़ी है ना। हाँ, तो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, बहुत ध्यान से। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये तुम्हारी स्पीड कुछ ज्यादा लग रही है मुझे। ये ज्यादा है, ज्यादा है। स्लो 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 डाउन, स्लो डाउन। देखो मेरी बात सुनो, मेरी तरफ मत देखो, सामने देखो यार। क्या यार, तो आप बोलेंगे तो आपकी तरफ ही देखो। अच्छा सॉरी भाई, मैंने बोल दिया कि मेरी बात गौर से सुनो, लेकिन मेरी बात सुनो, सड़क की तरफ देखकर और फोकस करके
अफदान आप मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, इस तरह मैं गाड़ी नहीं चला सकती। अच्छा सॉरी, मैं काम करता हूँ, मैं सीट बेल्ट। अफदान कुछ नहीं होता, इतना भी ना डराए यार। अरे देखो आगे देख कर चलाओ गाड़ी। हाँ देखिए। हाँ, आगे देखो, आगे देखो, शाबाश, यहाँ लेफ्ट पे मोड़ो, लेफ्ट पे मोड़ो। अच्छा अच्छा, एक मिनट, पीछे भी देख रहे हैं। लेफ्ट पे, लेफ्ट पे, लेफ्ट पे। सॉरी भाई, सॉरी। तुम एक काम करो, तुम गाड़ी सो। तुम उतरो, मुझे मैं खुद गाड़ी चला लूंगा, तुम उतरो। बस बहुत हो गई ड्राइविंग। उफ यार, ऐसे भी कोई गाड़ी ड्राइव करता है भला? मतलब अभी तुम मुझे भी मार देती और अपने आप को भी मार देती। सही हो आगे से? इतना क्यों डर रहे यार आप? तुम्हें डर नहीं लग रहा था क्या? जब आप मेरे साथ होते हैं तो फिर मैं क्यों डर? पता है आपको, आप जब साथ होते हैं ना तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा महफूज हूँ। जब तुम मेरे साथ होती हो मेरी जिंदगी बदल जाती। मैं जानता हूं, मैं बात भी बात गुस्सा करता हूं। उसका ताल्लुक सिर्फ मेरी जिंदगी की खड़वाहट से है। जिसने आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगा। लेकिन जब तुम साथ होती हो रंग देखने लगते हैं मुझे। अच्छे लग रहे थे, ऐसा लगता है मैं जी रहा हूं। इस जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहा और वादा करता हूं तुमसे हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप तुम इन बातों का फायदा उठाते हुए गाड़ी मत चलाना, गाड़ी से उतरो, यहाँ बैठो, मैं गाड़ी चला। जी नहीं, अभी मैं थोड़ी सी और गाड़ी चलाऊंगी। चल। अरे अरे, क्या क्या कर रही हो? तुम्हारा ये दुपट्टा पहनने के चक्कर में ना मेरे मुंह पे कपड़ा आ जाएगा, मर जाऊंगा मैं। अफदान आइंदा ऐसे नहीं बोलिएगा। अच्छा नहीं बोलूंगा। रमशा, रमशा मैं बार बार तुमसे प्यार भरी बातें करता हूँ और तुम फिर गाड़ी तेज। रमशा प्लीज, रमशा। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, अफनान। थैंक यू रमशा। सुने वो जब से यहाँ पे आया आपने रीजी को एक भी कॉल नहीं की, क्यों? रीजी ने भी तो मुझे कोई कॉल नहीं की। हमें सभी उसे मेरी कोई परवाह नहीं। मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, वो जानना ही नहीं चाहते। ऐसे नहीं कहते आप, बेबी है वो आपकी।
और बीवी और जितना भी मसरूफ हो ना, शौहर की परवाह जरूर होती है। क्या हो गया तुम? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम नहीं जानती कि अलीजे की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा छोड़ें अफनान इन बातों, आप उसे कॉल करें। उसे कॉल करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा ना। और तुम्हें? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगे। कॉल करें, मैं आती हूँ। यार तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देती हो? इसकी वजह से तुम हमेशा ही थकी रहती हो। अफनान प्लीज, अभी मुझ में इतनी भी एनर्जी नहीं है कि तुमसे बहस कर सकूं। अच्छा ठीक है मत करो बहस, लेकिन कम से कम एंगेजमेंट से कुछ दिन पहले तो ऑफ ले सकती हो ना तुम। लेकिन क्यों, एंगेजमेंट के लिए कौन ऑफ लेता है अफनान? ऐसी बातें करते हो तुम, और आज मैं बहुत थक गई हूँ, बस कल चल लेंगे ना। अफनान मैंने तुम्हें बताया तो था, मेरा मैनेजर भी छुट्टियों पर है, मैं इस टाइम पे ऑफ नहीं ले सकती। हाँ तो अच्छी बात है ना, तुम ऑफिस फोन करके बता दो कि घर में कोई इमरजेंसी हो गई है, अगर मैनेजर छुट्टी कर सकता है तो तुम भी तो कर सकती हो ना। अफनान तुम इतना परेशान वैसे क्यों हो रहे हो? अभी डॉक्टर तुम्हें यही बता रहा था ना कि मामू जाना बेहतर है, लेट हिम रेस्ट, घर पे बाकी लोग भी तो हैं, मुलाजिम भी हैं, तो तुम प्लीज परेशान मत हो। इसका मतलब तुम ऑफिस जरूर जाओ। तुम ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो जैसे मामू जान सदियों से बीमार हो? मैं डैड की तबीयत को लेकर परेशान नहीं, जितना मैं तुम्हारे बिहेवियर की वजह से हर्ट हूं। प्लीज अफनान फजूल बातें मत करो, मुझे उनकी फिक्र थी इसीलिए मैं जल्दी आ गई। हाँ वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम्हें कितनी फिक्र थी उनकी। अफनान असल में कुछ लोग होते हैं जिनके लिए चाहे हम कुछ भी कर लें वो कभी खुश नहीं होते, तुम उन्हीं में से। जब से मामू जान जो है हॉस्पिटलाइज हुए तुम मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हो। मेरी सुनो, मेरा बाप मां अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, मैं इतनी पड़ी। अफनान तुम शायद भूल रहे हो, मामू जान हॉस्पिटल में तुम्हारी चहेती की वजह से एडमिट है, तो अगर ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है तो रमशा को जाकर बोलो, मुझे नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने उसे इस घर में रखा हुआ है, तुम क्या निकालोगे उसे इस घर से? तुम तो उसे आज तक अपने दिल से नहीं निकाल सकते। अच्छा छोड़े ना अफनान इन बातों, आप उसे कॉल करें, उसे कॉल करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा ना। हेलो, शुक्र है तुम्हें ख्याल आ गया कि मुझे भी फोन करना है। और अगर यही शिकायत मैं तुमसे करूं तो? तुम मुझसे शिकायत कैसे कर सकते हो अफनान? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम वहां पहुंचकर मुझे कॉल करते, लेकिन तुमने तो मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया। अलीसा तुम हमेशा मुझे ब्लेम क्यों करती हो? क्योंकि गलती हमेशा तुम्हारी ही होती है अफनान। तुम्हें कोई एहसास है? बल्कि क्यों एहसास होगा, तुम्हें तो कभी एहसास होता ही नहीं है।
मैं कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ, लेकिन तुम इतने लापरवाह हो कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होती तो तुम्हें कॉल नहीं करूँ। तो क्यों की है तुमने कॉल? मुझ पर एहसान जताने के लिए किए? अफनान प्लीज अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर अभी तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम मुझसे यही एक्सपेक्ट करते ना कि मैं तुम्हें कहीं और पहुंचकर बताऊं, इन्फॉर्म करूं, और मैं ना करती तो तुम मुझे 10 बातें सुना रहे होते। तुम ये क्या कर रही हो लीज? अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूं तो मैं फोन रख देती हूं, तुम खुश रहो। अलीज़े, भाई बात यह है कि मैंने आज एक प्लान बनाया, और प्लान यह है कि आज तुम्हारा मेकअप मैं करूंगा। हाँ हाँ ना भाई, आप कैसे मेरा मेकअप करेंगे भाई? कैसे नहीं करूंगा, अगर मैं तुम्हें गाड़ी चलानी सिखा सकता हूँ तो तुम मुझे मेकअप करना तो सिखा सकती हो, मैं ही करूंगा। ये क्या है? अच्छा तो इसका मतलब है कि अगर आप मुझे अपनी गाड़ी चलाना सिखा सकते हैं तो मैं आपको मेकअप करना सिखाऊं, बदला ले रहे? इसमें बदले वाली क्या बात है भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हाथों से तुम्हें सजाऊं सवारूं। एक काम करते हैं, नेल पेंट लगा देते हैं, ये ठीक रहे, है ना? नेल पेंट नहीं लगा सकती नमाज के। अलीसे की कॉल है। आप पिक करें, मैं आती हूँ। हेलो। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे कॉल करके मनाओगे। ये तुमने तो मुझे कॉल बैक भी नहीं किया। मैं जरा बिजी हो गया था। तुम बहुत बदल गए हो अफनान। खैर, जिस काम के लिए गए थे हो गया वो काम तुम्हारा? हाँ ऑलमोस्ट हो गया, बस थोड़ा सा रह गया। कैसा मौसम है इस्लामाबाद में? हाँ अच्छा है, ठीक है। मुझे ये बताओ पप्पा ने कॉल क्यों नहीं की? आमतौर पर तो वो कॉल कर देती हैं। हाँ मामा की तबीयत ठीक नहीं है। इसीलिए कॉल नहीं की होगी उन्होंने तुम्हें। अच्छा क्या हुआ उनकी तबीयत को? मैं काम करता हूँ, मैं उनको कॉल करके उनसे पूछ लूँ। हाँ कर लेना तुम। अफदान चाय पियेंगे? अफदान ये किसकी आवाज थी, कहाँ हो तुम? क्या हो गया तुम्हें अलीज़े? मैं एक रेस्टोरेंट में आया हुआ हूँ।
कुलीग्स मेरे साथ हैं, मेरी एक कुलीग ने चाय का पूछा है। अच्छा सुनो, मीटिंग स्टार्ट होने वाली, मैं तुम्हें कॉल बैक कर, बाय। क्या था ये? I'm sorry अफ़गान, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था आप अलीज़े से बात कर रहे हैं। क्या सॉरी यार? तुम नहीं जानती मैं अलीज़े से फोन पे बात कर रहा था? नहीं, मुझे क्या पता था कि कॉल पे होंगे आप, मुझे लगा आपने कॉल बंद कर दी होगी। कैसे लग सकता है तुम्हें? तुम्हारे सामने ही तो मैंने उसकी कॉल रिसीव की थी, बात कर रहा था मैं। तुम नहीं जानती हो तुम्हारी वजह से अब मैं कितनी बड़ी मुश्किल, कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं। मुझे लगता है तुम नहीं चाहती कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूं। अगर उरूज हमारी सगी बेटी होती तब भी हम उसे ऐसे सास के हवाले कर देते। तुम्हें पता है सनमा, कभी कभार इंसान सबके साथ होकर भी खुद को अकेला ही महसूस करता है। देखो, अगर कोई भी बात ना तुम उससे शेयर कर सकती हो। I'm sorry, Ramsha. अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि मैं कभी भी जानबूझकर आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी, और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप मेरी वजह से किसी मुसीबत में। जानता हूं। जानते हैं, उसके बावजूद भी आप मेरा दिल दुखाते। I'm sorry ना, अचानक से गुस्सा आ गया था, लेकिन तुम ठीक कह रही हो। इसका मतलब यह नहीं था कि मैं तुम पे शाउट करता, इसलिए I'm sorry। ठीक है, कर दिया माफ। ठीक कह रहा हूं ना, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे पता है मेरी बातों से तुम्हारा दिल दुखा है। दिल दुखाना तो आपका काम है अफ़नान, कोई नई बात थोड़ी है। अच्छा, शादी के बाद तो मैंने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया, तुम्हें नहीं रुलाया। शुरुआत तो कर दी ना, अब नहीं दुखाऊं। माफ कर दोगी या मुर्गा बन जाऊं? बताओ, कान पकड़ लूं? I'm sorry। बस बस कर दिया मैंने माफ आपको। आइंदा गुस्सा नहीं करेंगे आप? कभी भी, कह रहा हूं।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम अलीजे। अलीजे अफनान क्या कराची आ गया है? नहीं तो, अफनान तो इस्लामाबाद में है ना। लेकिन मैंने अभी उसे शॉपिंग मॉल में देखा है। शॉपिंग मॉल में देखा है? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एकदम से गायब कहाँ हो गया है। नहीं मामा, आपको कोई गलत फहमी हो रही होगी। अफनान तो इस्लामाबाद में, वो तो कल वापस आ रहा है। अभी तो बात हुई थी मेरी उससे। हलीजे मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं तुमसे कह रही हूं ना कि वो अफनान ही था। तुम एक काम करो, तुम अभी इसी वक्त अफनान को फोन करो और पूछो कि वो इस्लामाबाद में है कि कराची में। But I'm sure कि वो कराची आ चुका है। अच्छा, मैं चेक करती हूँ। ओके। तुमने बताया ही नहीं कि तुम अचानक ऐसे इस्लामाबाद जा रहे हो। तुमने तो बताया भी नहीं कोई मीटिंग है तुम्हारी, और वो भी 2-3 दिन के लिए जा रहे हो। अरे मीटिंग तो बहुत पहले से स्केड्यूल थी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। इस्लामाबाद का ऑफिस भी बहुत अरसे से इग्नोर हो रहा है। सोच रहा था 2 दिन वहां पर भी लगा लूं। अफगान, क्या तुम कराची आ गए हो? क्यों, क्या हुआ? तुम कहाँ हो अलीजे? मैं कहाँ होंगी, मैं तो घर पे हूँ। मामा की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि उन्होंने तुम्हें शॉपिंग मॉल में देखा है। मैं इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम कराची आ गए हो? हेलो अफनान, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। तो जवाब दो ना, कहाँ हो तुम? अरे अलीजे, मैं इस्लामाबाद में ही हूँ। तुम्हें बताकर तो गया था कि कल वापस आना है ना। हाँ, पर मुझे लगता है उन्हें बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। उन्होंने डेफिनेटली किसी और को देखा है। मैं तो इस्लामाबाद में मीटिंग में बैठा हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तुम्हारी कॉल आई तो तुम्हारी कॉल रिसीव करने के लिए बाहर आ गया।
अच्छा सुनो, मुझे बार बार वो बुला रहे हैं मीटिंग में, इंतजार कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं जाता हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके ओके बाय। टेस्टिंग माई पेशेंस, बहुत झूठ बोल लिया तुमने। कितना झूठ बोलोगे? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस लड़की के साथ देखा। कौन थी वो लड़की अफनान? अफनान कौन थी वो लड़की? अलीसे मेरी। तुम मेरे साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? अलीसे, अलीसे तुम क्या कहना चाह रहे हो, बोलो ना। अच्छा मुझे बोलने दोगी तो जवाब दूंगा ना मैं। अलीज़े तुम्हें गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, हटो यहाँ से। अलीज़े प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, भरोसा करो। क्या सबसे ज्यादा भरोसा मैंने तुम पे ही किया था और तुमने क्या किया? मेरा भरोसा तोड़ा है तुम पे। सो डिसअपॉइंटेड विद यू अफनान। बात सुनो यार, प्लीज लिसन टू मी। क्या हो गया, मेरी बात तो सुनो। क्या मसला है अफनान? मैंने कहा ना मुझसे बात नहीं करो। ठीक है, तो मेरे काम करो, तुम सोच लो और मैं भी सोच लेता हूं। क्योंकि ऐसे करोगी तो फिर तो मैं किसी और से शादी कर लूं। हाँ तो जाओ, शौक से करो किसी और से शादी। आई डोंट केयर। यू डोंट केयर, अच्छी तरह जानता हूं उससे मैं हूं, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। वरना असल में तो बहुत मोहब्बत करती हो तुम मुझसे। खुशफहमी है तुम्हारी, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। रमशा, रमशा जी, क्या कर रही हो किचन में भाई? अफ़तान, वो आपदा की कॉल आई थी, आज वो नहीं आ रही, इसलिए सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ रहा है। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया, एक काम करते हैं, आज बाहर से कुछ ऑर्डर करके खाते हैं। जी नहीं, बाहर से कुछ भी ऑर्डर नहीं करेंगे, मुझे पता है कि आपको बाहर का खाना नहीं पसंद, इसलिए मैं खुद बना रही हूँ। अरे लेकिन मुझे ये भी पसंद नहीं है कि तुम किचन में काम करो। तुम्हारी खातिर मैं बाहर का एक दिन तो खाना खा सकता हूँ। जी नहीं, आपको पुलाव और कबाब पसंद है ना, इसलिए वही बना रही हूँ। हम घर पे खाना खाएंगे, वैसे भी कल आप चले जाएंगे, मैंने अकेले ही खाना खाना है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ। जितना भी वक्त है वो हम एक दूसरे के साथ गुजारें। प्लीज मेरे पास आकर बैठो, मैं एक एक पल को स्पेशल बनाना चाहता हूँ। ये तो बंद कर लेने, जल्दी 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 आओ। जी यहाँ बैठो, मेरे बिल्कुल सामने। जी तब अपनी आंखें बंद करो। क्यों? करो ना कि मैं ओके। खोलूं? नहीं, आंखें बंद रखनी है। क्या करें अब, खोलूं? नहीं। क्या कर रहे हैं आप अफनान? आंखें खोलूंगी क्या? खोलो।
कैसी लगी? क्या जरूरत थी अफनान? क्यों जरूरत नहीं थी भैया, आज मेरी वजह से तुम्हारा मूड इतना खराब हुआ था तो मैंने सोचा तुम्हें कोई गिफ्ट दे के ही मना लूं। हाँ मगर आपने माफी तो मांग ली थी ना, और मैंने माफ भी कर दिया था, तो फिर ये क्यों? माफी मांगना काफी नहीं था। तुम्हारी आंखों में जो आंसू आए थे उनका मदावा तो करना था।